और इसका जो मुंह बना है वो केकड़े से बना है, नाक जो है छिपकली का बना है, और जो जटा बना है वो सर्पों से बना है, कान कबूतर का बना है। दोस्तों मेरा नाम है मनी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मनी ब्लॉग्स। मैं फिलहाल हूँ शिवनाथ नदी के इस पुल पे। मैं अभी जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक जगहों में जिसका नाम आता है देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से, जो प्रसिद्ध है, जहाँ पर 10 रूपों वाला रुद्र भगवान है। ताला गांव जो कि ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक जगहों में या फिर कहे पर्यटन स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उस जगह पर जा रहा हूँ। मैं वहाँ का ब्लॉग पूरा बनाऊँगा और फिलहाल मैं हूँ अभी इस शिवनाथ नदी के बीच में पुल में, आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ कुछ ऐसा। तो चलिए चल के देखते हैं और कैसा है ताला में प्राचीन जो है अवशेष वो सब कैसे हैं। तो लेट्स गो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस ताला गांव में। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ताला गांव में और ये ताला गांव का ऐतिहासिक स्थान है जो कि खुदाई के माध्यम से निकला है। यहाँ जो ऐतिहासिक जगह है ये देवरानी जेठानी मंदिर नहीं है, देवरानी जेठानी मंदिर उसके इसके उस पार है, उस साइड जाना पड़ेगा हम लोगों को। फिलहाल ये तो ऐतिहासिक ऐसे ही महल वहल है, तो चलिए देवरानी जेठानी मंदिर की ओर जा कर के देखते हैं। दोस्तों यहाँ का मुख्य मंदिर कह सकते हैं या फिर वो जिसे देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, ये शिवलिंग का 10 मुख वाला शिवलिंग, शंकर भगवान का शिवलिंग 10 मुख वाला, इसको नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स ये ताला गांव का शिव प्रतिमा भारत के सर्वश्रेष्ठ या सबसे अद्भुत शिव प्रतिमा में से एक है, क्योंकि इस शिव प्रतिमा में 10 रूप हैं अगर आप ध्यान से गिने तो। और इसका जो मुंह बना है वो केकड़े से बना है, नाक जो है छिपकली का बना है, और जो जटा बना है वो सर्पों से बना है, कान कबूतर का बना है, पूरे प्राकृतिक नज़ारे का दर्शन कराते हैं। वैसे ही भी शंकर भगवान प्रकृति के देव हैं, जिसके कारण यह शंकर भगवान का प्रतिमा का दर्शन करना बहुत बहुत ज़्यादा अद्भुत लगता है। चलिए देवरानी जेठानी मंदिर की ओर जा कर के देखते हैं। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है वो ही देवरानी जेठानी का मंदिर है।
तो अंदर का नजारा मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए, अपने इतिहास की बुक में बहुत जगह पढ़े हैं कि देवरानी जेठानी मंदिर ताला का, जो कि बहुत प्रसिद्ध है ऐतिहासिक, तो वो मंदिर यही है जो मेरे पीछे दिख रहा है, देवरानी जेठानी का मंदिर यही है। और जो शंकर जी का प्रतिमा आपने देखा वहाँ पर, ये दोनों मुख्यतः यहाँ ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। से है आपको यहाँ की कलाकृति मैं दिखाता हूँ जो कि ऐतिहासिक कलाकृति से निकला हुआ है। अंदर से क्योंकि मूर्तियां चोरी होने लगी थी जिसके कारण ये घेराबंदी कर दिया गया है। पहले अंदर जा सकते थे, अब अंदर नहीं जा सकते हैं। ये जो मूर्ति दिख रहा है वो ही देवरानी और जेठानी जी का मंदिर है। तो जेठानी मंदिर का परिक्रमा करके देखते हैं क्या क्या है, कैसा नजारा है। तो लेट्स गो। यहाँ पर एक संग्रहालय भी है जहाँ पर बहुत से मूर्तियां रखी हुई है, तो वहां भी जाएंगे। ये ही मुख्य यहाँ का कह सकते हैं दर्शन का केंद्र, क्योंकि ये ऐतिहासिक और पौराणिक है जो कि खुदाई से निकला है। ऐतिहासिक है जैसा भी है। अभी हम लोग ताला गांव के संग्रहालय में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां जो चोरी कर लिए जाते थे। पहले सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं थी उतना ज्यादा, तो यहाँ पर चोरियाँ हो जाती थी, तो इसीलिए हम लोग वहाँ संग्रहालय में जा रहे हैं जहाँ पे और बहुत सारी मूर्तियों को रखा गया है। और ये ही है यहाँ का संग्रहालय कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। हम लोग संग्रहालय में इंटर कर रहे हैं। यहाँ के संग्रहालय की मूर्तियाँ कटी फटी टूटी कटी हुई बहुत सारी हैं, जिसमें से जो चोर लोग हैं उन लोगों को लगता था कि बहुत कीमती मूर्तियां होगी क्योंकि ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, खुदाई से निकली हुई हैं, इसलिए चुरा चुरा करके ले जाते थे। तो उससे बचाने के लिए ये छोटा सा संग्रहालय बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं संग्रहालय कैसा दिखता है। ये कुछ इस तरीके से, ऐसे जैसे कि ये मूर्ति रखा है, और ऐसे ही सभी मूर्तियां एक के बाद एक उधर इस तरीके से मूर्तियां यहां पर हैं बहुत सारी ऐतिहासिक, जो कि ऐसे। इसका तो चेहरा ही काट के ले गए हैं, देख लीजिए इस मूर्ति का। इसमें भी देखिए, इसको भी उड़ा के ले गए हैं। ये छोटा सा संग्रहालय है जो कि वहीं के कुछ हिस्सों को ला करके यहां पर स्टोर किया गया है। ऐतिहासिक जगह तो हमारे पीछे है, उसको देख चुके हैं अब। ये देवरानी जेठानी का मंदिर है, और इसके जस्ट उस साइड शंकर भगवान का है, वो जो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है वो। अब आगे इधर जो अभी मंदिर बना हुआ है उधर जा करके देखते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. मंदिर से निकल चुके हैं और अभी पहुंच चुके हैं यहाँ के गार्डन में। छोटा सा गार्डन बना हुआ है वहाँ। यहाँ I don't wanna waste what's left.
chase the leading eye.